ਪ੍ਰਾਮਿਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਮਿਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਕੁਮੁਦ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਲਿਲੀ ਕਾ ਫੂਲ और अरुणावती होता है, अरुण माने होता है लाल, और अरुणावती का मतलब है लाल मिट्टी या लाल जैसा कुछ। बाल बग्गो कथा गाथा नंबर 60। राजा पसंदी यानी प्रसन्नजीत जो कौशल नरेश हैं या कौशल राज्य के राजा हैं, अब राजा तो राजा होता है, राजा में बहुत सारी बातें हैं। राजा को एक सेवक की स्त्री और पत्नी पे मोह हो गया, प्यार हो गया, लट्टू हो गए वो उस पे। तो राजा ने उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि स्त्री को प्राप्त करना चाहते हैं मगर पाप कर्म भी नहीं करना चाहते और ऐसा भी नहीं है कि किसी को पता चले, तो तिगड़म और एक चाल लगाई। वो चाल ये लगाई कि इस सेवक को ऐसा काम करें जो ये ना कर पाए और उसके बदले में इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। तो उसको आदेश दिया कि आप जाओ और उस नदी से वाटर लिली का यानी कुमुद का एक फूल लेके आओ और साथ में अरुणवती लेके आओ, लाल मिट्टी लेके आओ, और ये सूरज छिपने से पहले लेके आनी है आपको। अगर आप सूरज छिपने से पहले दरबार में हाजिर नहीं हुए लेके, तो आपको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। सेवक, चूंकि उस समय सभी लोग समझदार थे, सेवक समझदार था कि इस राजा की जो दृष्टि है मेरी स्त्री पर है और ये मुझे मारना चाहता है, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगा के भागा। राज आज्ञा है, करनी पड़ेगी वरना मार देंगे, क्योंकि अगर डिक्टेटरशिप है और आप वहां लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि राजा का मतलब तो डिक्टेटरशिप है, क्योंकि जो गणतंत्र है वो शाक्य लोगों में तो है, कपिल वस्तु में तो है, मगर पसंदजीत के यहाँ, कौशल नरेश के यहाँ कौशल में नहीं है। तो वो भागता है और भागते भागते उसको ऐसा लगता है कि अरे ये कितना दूर है, नदी आई नहीं रही है, आई नहीं रही है। वो थक जाता है, हांफता है और नदी आती नहीं है। तो भागते 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 वहां पहुंचता है और वहां से लाल मिट्टी लेता है, कुमुद का फूल लेता है, फिर भागता है, सूरज की तरफ देखता है, फिर भागता है। और सूरज के छुपने से पहले दरबार में पहुंचने वाला होता है, राजा को पता चलता है कि वो आने वाला है, तो वो दरबार का गेट ही बंद करा देता है, क्योंकि उसे तो चाल चलनी है, अगर वो समय से पहले आ गया तो वो पत्नी उसके हाथ से निकल जाएगी, इसको मृत्युदंड प्राप्त हो तो उसे शादी करे, वरना प्रजा कहेगी कि आपने प्रजा में से ऐसे ही स्त्री को ले लिया। कम से कम एक नाटक तो करे, क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी गवर्नमेंट हैं, वो डायरेक्ट नहीं हाथ डालती प्रजा पे, वो नाटक करती हैं। जितने भी राजा हैं वो नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं और सरकार का गला घोटते हैं। तो उस समय प्रथा थी। तो जो सेवक है वो उसको जानता है, भापता है, इसलिए वो क्या करता है अपनी बुद्धि से कि वो जोर जोर से चिल्लाता है, सबको बताता है इस राजा की नीयत मेरी स्त्री पर है, मुझे मारना चाहता है, मुझे उसने ये काम भेजा, मैं वाटर का लिली भी ले आया, ये फूल रखा है गेट पर, और ये मिट्टी भी ले आया, ये मिट्टी रही है, सब लोग सुन लो, सब लोग देख लो, सब लोग देखो इस राजा की नीयत खराब हो गई है, ये राजा बेईमान हो गया है, ये राजा अच्छा नहीं है, ये राजा व्यभिचारी है, ये राजा कमीना है, ये इतने बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनता है, ये सब झूठे हैं, इसका चेहरा मुखौटा है, ये राजा जनता का सेवक नहीं है, ये जनता का भक्षक है, जानो इस बात को, देखो। और वो ये कहता 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 और डर के मारे और भय से त्रस्त हो गए, क्योंकि उसकी पत्नी को भय, या तो राजा उसे मार देगा या उसकी पत्नी ले लेगा, दोनों बातें उसके लिए खराब है। तो उसको कहीं कोई शरण नहीं दिखती। तो वो जो जैतवन आराम है, जैतवन का बाग है, आराम माने बाग बगीचा, जैतवन का आराम है, वहां भगवान बुद्ध हैं, वहां जाके और भिक्षुओं के साथ में रात को कांपता हुआ डरता हुआ सो जाता है। उधर जब राजा के कानों में ये बात पड़ती है कि इसने सारी प्रजा को ये बता दिया कि मेरा मनसूबा ऐसा है, मेरे मन में ये बात आई है और मैं ये कदम, क्योंकि चोर है राजा के मन में, किसी प्रजा को पता हो या ना पता हो, मगर खुद राजा के मन में चोर है और अब तो ढिंढोरा पिट गया है। तो राजा रात भर कांपता है उसको, क्योंकि पापी जो आदमी है वो पाप करता है मगर पाप को छुपाता है, क्योंकि पापी भी नहीं चाहता कि उसके कार्यों का, उसके कर्म का, उसके क्रियाओं का किसी को पता चले, क्योंकि अच्छे तो सभी बनना चाहते हैं। यही भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, वो छदम बनना चाहता है, झूठा बनना चाहता है, मिथ्या बनना चाहता है, मन में पाप है और सामने झूठा बनना चाहता है। तो उसकी छवि गड़बड़ा गई, जनता को पता चल गया, तो अपनी छवि टूटने के डर से, अपने पाप कर्म के उजागर होने की वजह से वो कांपता है और रात भर नहीं सो पाता, और उसको रात बड़ी लंबी लगती है कि रात बीत क्यों नहीं रही। और सुबह को उठते ही सबसे पहले वो भगवान बुद्ध की शरण में जाता है ताकि वहां अपनी समस्या का समाधान कर सके। जब वो भगवान बुद्ध के पास जाता है तो भगवान बुद्ध से कहता है कि भगवान रात मुझे बहुत लंबी लगी, कठिन ही ऐसा लगा कितनी लंबी रात है।
और तभी वो सेवक उठ के आता है, वो कहता है भगवान कल मुझे योजन बड़ा लंबा लगा। योजन का मतलब है चार जो कोस है या 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर के बराबर का एक योजन होता है या 4 कोस का पुराने समय में। तो कहता है कि मुझे योजन बहुत लंबे लगे, ऐसे लगे कि कितने लंबे हो गए ये आ नहीं रहे। भगवान बुद्ध ने दोनों की स्थिति समझी, वो तो पारगामी है, आर पार देख लेते हैं, उनकी व्यथा जानी, उनकी कथा जानी, सब चीजों का अनुमोदन किया, देखा क्या है क्या नहीं, विश्लेषण किया, तब उन्होंने ये गाथा कही। गाथा नंबर 60 इस प्रकार है। दीघा जागरतो रत्ती दीघं संतस्य योजनं दीघो बालानं संसारो सदम्बं अभिजानतं। दीर्घ माने होता है, दीर्घ बोलते ना दीर्घायु हो, दीर्घायु बाद में रे लगा दिया इसमें संस्कृत भाषा में, इसका दीघ है पाली में। दीघा माने लंबा, दीघा जागरतो रत्ती यानी कि जागने वाला, जागरतो माने जो जागता है, जागरण भी बोलते हैं इसको, आगे जागने से बहुत सारे शब्द हैं, जागरतो भी है जागरण भी है, यानी कि दीघा जागरणो रत्ती, रात जागने वाले को लंबी लगती है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जागने वाले को रात लंबी लगती है, यानी कि जो व्यक्ति रात को नींद खुल जाती है, नींद ना आए, उसे लगता है कि दिन कब निकलेगा, तो रात भर जागता रहता है। विपश्यना साधना करे तो समय ऐसे ही कट जाता है, मगर करने को कुछ ना हो, मन खाली हो और पड़ा रहे रात में, तो ऐसा लगता है सूरज कब निकलेगा कब निकलेगा, अरे निकल तो सही निकल तो सही, निकलता ही नहीं, कितनी लंबी रात है, 100 घंटे की रात हो गई। दीघं संतस्य योजनं, संतस्य का मतलब है भय से युक्त, भय से डरा हुआ, भयभीत। दीघा संतस्य योजनं यानी कि जो डरा हुआ होता है, जो भय वाला होता है, जो थका हुआ होता है, बेसिकली इसका जो शब्द का अर्थ है वो है थका हुआ, जो थका हुआ होता है उसको योजन बहुत लंबा लगता है। अब थका हुआ व्यक्ति चल तो पाएगा नहीं, क्योंकि कोई खाए पिए और बिल्कुल फ्रेश हो फिर तो वो चलता रहेगा, मगर जैसे जैसे वो थकता जाएगा वैसे वैसे वो दूरी उसकी बहुत बढ़ती जाएगी। थके हुए पर चला नहीं जाता, तो उसके लिए तो 4 मीटर क्या, 400 मीटर क्या, 4 किलोमीटर क्या, सब दूर लगते हैं उसे तो। और जो थका हुआ नहीं है उसके लिए 4 मीटर क्या, 4 किलोमीटर क्या, 400 मीटर क्या, तो दौड़ता रहेगा। तो थका हुआ कहते हैं थका हुआ ये नहीं चल पाएगा, ये तो सब जानते ही हैं, ये तो थक गया। कोई मन से थक जाए तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, शरीर से थक जाए तो अलग बात है। तो थके हुए के लिए रास्ते यानी योजन यानी दूरी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है, आती नहीं। दीघो बालानंग संसारो, दीघो माने लंबा हो जाता है, बालानंग माने जो मूर्ख हैं, जो नहीं जानते धम क्या है, जो नहीं जानते कि संसार क्या है। संसार का मतलब है सैसार, सैसार का मतलब है निज का सार, निज का सार का मतलब है आना और जाना यानी जीवन और मृत्यु, यानी कि दीघो बालानंग संसारो, संसार उनके लिए बहुत लंबा हो जाता है। जो बालंग होते हैं, जो इमैच्योर होते हैं, जो नहीं जानते, कैसे हो जाता है, क्योंकि वो अपना धम्म का काम सही नहीं करते और पाप में फंसे रहते हैं, और वो हजारों बार मरते हैं और हजारों बार जीते हैं, हजारों बार मरते हैं फिर जन्म लेते हैं फिर जीते हैं फिर जन्म जीते, उनके लिए स्वयं का जो सार है वो बहुत बड़ा हो जाता है। सधम्मंग अभी जानतंग, जो सधम्म को नहीं जानता, यानी कि ऐसा ऐसा मूर्ख ऐसा बाल जो सधम्म को, सधम्म का मतलब है विश्वास धम्म को, यानी सद्धम्म, सद्धम्म यानी सद्ध माने होता है विश्वास, जो धम्म के विश्वास को नहीं जानता उनके लिए संसार बहुत लंबा हो जाता है। वो भव चक्र में फंसे रहते हैं, आते हैं जाते हैं मरते हैं फिर जीते हैं फिर मरते हैं, दौड़ते हैं फिर मरते हैं फिर मरते हैं, ये चक्र उनके लिए चलता रहता है, इससे मुक्ति नहीं होती, इससे उनकी छुटकारा नहीं होता, ऐसा वो गाथा कथा नंबर 60 में बताते हैं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं।
आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।